अर्जुन की जय। मेरे पिताश्री महाराज कृतवीर्य की अभी अभी मृत्यु हुई है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो अब भी उस राज सिंहासन पर बैठे हैं। इसलिए आप सब मेरी जय जयकार मत कीजिए। विराजिए युवराज। प्रणाम महर्षि गर्ग, आप युवराज अर्जुन का राज्याभिषेक कीजिए। नहीं गुरुदेव, राजा बनने की मेरी कोई लालसा नहीं है। युवराज, मैं आपकी मनोदशा को भली भांति जानता हूं, आपके दुख में सहभागी भी हूं, परंतु राज्य शासन के प्रति आप, मैं, संपूर्ण मंत्रिमंडल निरुत्साही तो नहीं रह सकते। राजा न हो तो प्रजा अनाथ होती है, इसलिए आप राज्याभिषेक करा लीजिए युवराज। नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर रहा हूं, मैं अभी राजा बनने के योग्य नहीं हूं गुरुदेव। जब तक मैं राजा बनने के सारे गुण, सारी शक्तियां और सारी विशिष्टताएं ना प्राप्त कर लूं, मैं अपना राज्याभिषेक कैसे करवा सकता हूं गुरुदेव। आप तो सभी महाज्ञानी हैं, राजनीति निपुण हैं, आप जानते हैं कि राजा परमेश्वर का अंश होता है, और जब तक राजा में ईश्वरीय गुणों का प्रादुर्भाव ना हो उसका राजा बनना उचित नहीं है। गुरुदेव, आप ही ने तो शिक्षा दी थी कि राजा प्रजा का पिता होता है, प्रजापालन राजा का कर्तव्य है, इसलिए मैं ईश्वर के समान समदर्शी और अपनी प्रजा को पूर्ण समृद्ध करने की क्षमता प्राप्त कराना चाहता हूं गुरुदेव। गुरुदेव, आप ही ने तो कहा था जो राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर सकता उस राजा को मृत्यु के पश्चात नरक में जाना पड़ता है, उसके द्वारा किए गए सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं, और गुरुदेव मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाएं। इसलिए गुरुदेव मैं तपस्या करना चाहता हूं, तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं जिससे इस पृथ्वी पर मेरे जैसा शक्तिशाली रिद्धि सिद्धि से संपन्न शस्त्रधारी दूसरा और कोई ना हो, जिससे मैं अपने प्रजापालन का दायित्व निभा सकूं। गुरुदेव, जब तक मैं पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर लूंगा मैं राजा नहीं बनूंगा। धन्य है युवराज, आप धन्य हैं, इस प्रजा को आप पर गर्व है, आप प्रजापालन को महत्व दे रहे हैं, ये जानकर मन को परम संतोष हुआ। युवराज, यदि आप शक्ति संपन्न होना चाहते हैं तो इन तीनों लोकों के रक्षक भगवान श्री दत्तात्रेय की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लें। भगवान दत्तात्रेय? हाँ युवराज, श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अंश हैं, साक्षात त्रिदेवों का ही मानवीय रूप हैं। श्री दत्तात्रेय योगेश्वर हैं, उनके आशीर्वाद से आपको अपूर्व शक्ति प्राप्त होगी और रिद्धि सिद्धि भी। हे राजन, आप दत्तात्रेय भगवान की शरण में जरूर जाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब तक आप राजा बनने की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक महाराज कृतवीर्य का मंत्रिमंडल
इस राज्य का कार्यभार संभालेगा। गुरुदेव, मैं आपसे बहुत अनुग्रहित हूं। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लूं। मेरा आशीर्वाद सदा ही आपके साथ है। कल्याण मस्तु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु। योगेश्वर दत्तात्रेय कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु वे सर्वव्यापी हैं। भक्ति भाव से आप जहां देखेंगे, जिसे देखेंगे, दत्त गुरु उसी में दिखाई देंगे। प्रणाम। हे मान्यवर, गुरु दत्तात्रेय कहाँ हैं? वो देखिए, वहां बैठे हैं। प्रभु, प्रभु, हाँ? योगेश्वर, प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप भागते हुए? प्रणाम योगेश्वर। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? हमें अकेला छोड़ दो, हमारे मार्ग से हट जाओ मूर्ख। हे महात्वन, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। जाओ, मेरे आश्रम से निकल जाओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो आपकी सेवा, भक्ति और पूजा करने के लिए ही यहां आया हूं। सेवा, भक्ति और पूजा तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की जाती है, देवताओं की जाती है, मेरे जैसे भोगियों की नहीं। आप भोगी नहीं, योगी हैं योगेश्वर। प्रभु, मुझे अपनी माया से भ्रमित ना कीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्रभु, हमारा तिरस्कार ना कीजिए, अपने भक्तों से विमुख ना होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु, कैसी कृपा चाहते हो तुम? और तुम पर कृपा करके हमारा क्या लाभ होगा? प्रभु, आप तो लाभ और हानि से परे हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम हमें कुछ देना ही नहीं चाहते? नहीं योगेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो चाहें मैं देने को तत्पर हूं। तो मुझे केवल एक फूल ला कर दो। जो आज्ञा। Mm-hmm.
यह कैसी लीला है योगेश्वर? क्या हुआ एक फूल देने में इतना विचार? अरे तुम तो एक फूल के भी ना हुए और मुझसे अनुग्रह चाहते हो। जाओ हमारा पीछा छोड़ दो, तुम पूर्णतः अयोग्य हो। नहीं प्रभु, फूल नहीं मिले तो क्या, आपकी पूजा के लिए मैं अपना शीश कमल आपको अर्पित कर सकता हूं। अर्जुन, तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति और समर्पण से अति प्रसन्न हूं और तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया प्रभु। क्या चाहते हो तुम? प्रभु, आपके पूज्य पिताश्री महर्षि अत्रि ने मुझे एक अच्छा मनुष्य बनने का परामर्श दिया है। एक अच्छा मनुष्य ही एक अच्छा राजा बन सकता है। प्रभु, मैं योग्य राजा बनकर प्रजा पालन के सभी दायित्व निभाना चाहता हूं। प्रभु, प्रजा कल्याण की इच्छा से जब तक तुम राज करते रहोगे तब तक मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा और प्रजा कल्याण के विमुख होते ही तुम्हारी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। इसलिए हे राजन, जिन कर्मों से जीव और जगत दोनों का कल्याण होता हो वही कर्म करना चाहिए। इसके विपरीत जिन कर्मों से अधर्म, क्रूरता और पाशविकता उत्पन्न हो वो कर्म मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जब तक तुम विद्वानों, ऋषियों, सज्जनों और ब्राह्मणों का हित और आदर करते रहोगे तब तक तुम्हारे साम्राज्य में राजलक्ष्मी और धनलक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। प्रजा का आशीर्वाद तुम्हारा सच्चा बल होगा और प्रजा के कल्याण में ही तुम्हारा अपना कल्याण निहित है। तुम धर्म मार्ग पर आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ होगा। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं वत्स, तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मुझ में शत्रु और मित्र को पहचानने की शक्ति बनी रहे। मैं जब युद्ध में जाऊं तो मुझे सहस्त्र भुजाओं का बल प्राप्त हो, युद्ध के समय अस्त्र और शस्त्र चलाने के लिए मेरे शरीर में 1,000 ऐसी भुजाएं उत्पन्न हों कि जिनका भार मेरा शरीर वहन करने में समर्थ रहे। वत्स, जब तुम मानव मात्र के पोषण हेतु अधर्मी शासकों के विरुद्ध युद्ध में जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, और यदि अन्याय और अपने राज्य के विस्तार के लोभ में युद्ध में उतरोगे तो तुम्हारी ये सहस्त्र भुजाएं तुम्हारे शरीर का भार बढ़ाकर तुम्हें पराजित करेंगी। प्रभु, मैं सर्वदा आपकी आज्ञा के अनुकूल ही युद्ध करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।
प्रणाम प्रभु। तथास्तु। शगुन शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। महाराज कार्तिकेय अर्जुन की जय। 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 दुर्वासा, लगता है चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। इतनी शीघ्रता क्या होती है आपको मुझे प्रणाम करने की? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल तो मुझसे हो जाती है महादेव। मैं आपको प्रणाम करने लगता हूँ, किंतु उससे पहले आप मुझे प्रणाम कर देते हैं। कहिए, आपने दर्शन कैसे दिए? दर्शन? हाँ, वो आपको सोचते हुए देखा तो रहा नहीं गया, सो पूछने चला आया कि शिव शंभो महादेव को क्या चिंता है। आप मुझे सबसे पहले ये वचन दीजिए कि मेरे इस रूप में मुझे केवल दुर्वासा कहेंगे। नारायण नारायण, मुझे तो वैसे ही आपके शाप से बहुत डर लगता है। बहुत भयभीत रहता हूँ भगवान। मैं जो आप कहेंगे मुझे मान्य है। अब आप मुझे अपनी चिंता के विषय में बताइए। चिंता का विषय मेरा तप है देवर्षि। मैं तप करता हूं तो पूरा संसार दुखी होता है और माता पिता भी। इसलिए सोच रहा था कि तप के स्थान पर क्यों ना विद्या अर्जित कर लूं। तो क्या करेंगे? सोच रहा था ब्रह्मलोक जाकर क्यों ना वेद का अध्ययन कर लूं। ब्रह्मलोक? तो क्या आप ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान लेंगे? क्यों नहीं, वही तो है विद्याधिपति। नारायण नारायण, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। ओम ब्रह्माय नमः। इस सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न हुई वाणी, जैसे ही मैंने स्वयं को कमलासन पर विराजमान पाया, वेदों की ऋचाएं स्वयं ही मेरे मुख से निकलने लगी। इन ऋचाओं से देवता और देवताओं से शेष सृष्टि विकसित हुई। ब्रह्म देवाय नमः। प्रणाम। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? पितामह, आपके मानस पुत्र महर्षि अत्रि, परम साध्वी अनुसुया का पुत्र दुर्वासा, वेद ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया है। तुम मेरे पौत्र हो दुर्वासा, तुम्हें ब्रह्मलोक में
वेद अध्ययन करने का पूरा अधिकार है। करदम, जाओ जाकर वेद अध्ययन संस्करण की सामग्री एकत्रित करो। हम दुर्वासा को वेद ज्ञान देंगे। नारायण नारायण, ऋषि दुर्वासा को परम पिता ने वेदों का अध्ययन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। प्रभु, भगवान शिव के क्रोधावतार वेदाध्ययन करेंगे, वो भी परम पिता ब्रह्मा के यहाँ। वत्स नारद, इसमें आपको क्या आपत्ति है वो कहें। आपत्ति ही आपत्ति है प्रभु, मुझे तो ये वेदाध्ययन विपत्तियों की उत्पत्ति ही लगता है। विपत्तियाँ कैसी वत्स? प्रभु, शीतल सागर में गर्म धारा का प्रवेश हो गया तो विपत्तियों की ही तो लहरें उठेंगी। ऐसा क्यों सोचते हैं वत्स नारद? भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा का जुड़ना संसार के लिए आनंद की बात है। सारा आनंद शोक में बदल जाएगा प्रभु, जब दुर्वासा को क्रोध आएगा और क्रोध में दुर्वासा निष्पक्ष भाव से किसी को भी शाप दे देंगे। ऐसे में यदि उन्होंने परम पिता ब्रह्मा को शाप दे दिया तो